कोरोना काल में एक ओर सरकार फीस टैक्स और किस्तों में छूट दे रही है, तो दूसरी ओर मछली पालकों से लीज मनी पर मनमाना ब्याज वसूला जा रहा है। गौरतलब है कि पहले 15 मार्च तक मछली पालकों को लीज मनी जमा करानी थी। 31 मार्च तक लीज मनी जमा नहीं कराने पर 18% ब्याज और 14 अप्रैल तक 24% ब्याज देना था, लेकिन 22 मार्च से लॉकडाउन और कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगने से मछली पालन व्यवस्था ठप्प हो गई है। इससे मछली पालक लीज मनी जमा नहीं करा सके। अब विभाग लीज मनी पर 24% ब्याज वसूलने का दबाव बनाया जा रहा है। राजस्थान मत्स्य पालक विकास संगठन ने इसका विरोध करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि प्रदेश के 2000 छोटे बड़े बांधों में मछली पकड़ने के ठेकों से राज्य सरकार को करीब 80 करोड़ का राजस्व और 20,000 लोगों को रोजगार मिलता है। मध्यप्रदेश में रोजाना 50 टन मछली उत्पादन से 50 लाख रुपए का कारोबार होता है। इकतीस अगस्त तक बंद रहेगा, 2.5 महीने लेबर हमारी जा चुकी है, हम कहाँ से तनख्वाह देंगे, हमारे कहाँ से बच्चों की फीस भरेंगे, काम हमारा हकीकत की बात है, ये नहीं है पैसा ही नहीं आएगा। और जयपुर में कर्फ्यू लगा हुआ था, मछली मंडी बंद थी। आप ये देखिए 60 दिन में मछली मंडी बंद थी, 15 जून को लॉकडाउन लग, 15 जून को क्लोज सीजन लग जाएगा। अब जिसकी जो दुकानदार वो क्या खाएंगे, वो तो मछली से ही रोजगार है। 60 दिन वो हो गए, 2.5 महीने ये हो गए, सरकार कुछ देगी, 1 रुपया नहीं देगी, बल्कि वो तो ब्याज ले रही है। हमें ब्याज चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं, आप जाओ आपका काम जाने। तो सरकार से हमने बहुत सी मांगे करी, गिरिराज सिंह जी को लेटर लिखा, मुख्यमंत्री महोदय को लेटर, मंत्री जी से मुलाकात की, उनकी लेटर लिखा, मेल किए, डायरेक्टर सबको। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से लेके आज तक हम लोगों से जो पैसा ले गवर्नमेंट ले रही है उसके ऊपर 2% साहूकारी ब्याज वसूल कर रही है और हम लोगों को किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवा रही। राज्य सरकार के आदेशानुसार हमने हमारी लेबर को बैठ के खाना खिलाया, उस टाइम सरकार ने हमको भामाशाह बना दिया, आज हम लोग बाबाशाह बन के रह गए। आज हम दर दर भटक रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। हमको झूठा आश्वासन देके हमको विश्वास में रखा और अब आके हमको 15 दिन का समय देके, 15 दिन के अंदर अगर आपने पैसा जमा नहीं कराया तो आपके बांधों, आपकी जो बकाया राशि है उसको जब्त कर बांध को पुनः लीज पर रख दिया जाएगा। इस बात को लेके हमने 11 तारीख को होने वाले टेंडरों का बहिष्कार किया है।